डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं भैया की विद्यासागर सिंह के चैनल। तो देखिए आप लोग को संस्कृत का जो कि आप लोग को लेखक से संबंधित है, जिसमें से आप लोग को 5 नंबर से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इसी वीडियो में आप लोग 5 नंबर का कंठस्थ जाने वाले हैं और आप लोग 5 में से 5 प्राप्त करने वाले हैं एग्जाम में। केवल इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अभी तक मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन में दबा लीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्त के पास फटाफट शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जान लीजिए आप लोग को इस तरह से आप लोग को दे सकता है प्रश्न एग्जाम में, मंगलम पाठ के लेखक कौन है। तो मंगलम पाठ के लेखक हैं, आप लोग जानते ही होंगे कि महर्षि वेद व्यास है, महर्षि वेद व्यास है। तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। नहीं तो आप लोग इस तरह से भी दे सकता है, महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है। तो आप लोग का हो जाएगा मंगलम, ठीक है। तो आप लोग को दो तरीकों से ये प्रश्न दे सकता है, इसी पेज में से यानी इसी वीडियो में से आप लोग को 5 नंबर का प्रश्न छिपा हुआ है। आप लोग को 5 नंबर के प्रश्न ढूंढ कर निकालना है, यानी कहने का मतलब आप लोग को एग्जाम में आएगा, आप लोग को सही करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, दूसरा दिया गया है भारत महिमा के लेखक कौन है। भारत महिमा का अगर लेखक कहेगा तो भारत महिमा का लेखक हो जाएगा महर्षि वेद व्यास ही, भारत महिमा के लेखक हैं, ठीक है। तो ये दोनों का महर्षि वेद व्यास है, यानी मंगलम और भारत महिमा का। तो यहाँ पे आप लोग देखिए तीसरा दिया गया है नीति श्लोका, नीति श्लोका इसको बारे में ही बताएंगे, ठीक है। पहले जान लीजिए ये लेखक के बारे में, नीति श्लोका के लेखक कौन है। तो महात्मा विदुरा, महात्मा विदुरा है, जो कि ऑप्शन आप लोग को बदल बदल के दे सकते हैं, यानी आप लोग को 2-3 लेखक के नाम देगा और नीति श्लोका के लेखक के नाम पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा महात्मा विदुरा। यहाँ पे आप लोग देखिए मंदाकिनी वर्णन में किसको बताया गया है, यानी कहा गया है लेखक कौन कहे हैं, यानी अनुवादन किए कौन किए हैं और लेखक कौन है। तो ये महर्षि वाल्मीकि जी, याद रखिए मंदाकिनी वर्णन के महर्षि वाल्मीकि हो जाएगा, जो कि आप लोग को इस तरह से भी दे सकता है महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया पाठ है। तो मंदाकिनी वर्णन इस तरह से आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चनों को 2 तरीके से दे सकते हैं, नहीं तो आप लोग इस तरह से देगा। जैसे मान चलिए मंदाकिनी वर्णन कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग जान लीजिए वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णन जो किया गया है अयोध्या कांड या वाल्मीकि रामायण, तो इस तरह से भी दे सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, इसे मान चलिए कि देगा भारत महिमा किस कहाँ से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से लिया गया है, नहीं तो श्रीमद भागवत गीता से लिया गया है, नहीं तो भागवत पुराण से लिया गया है। तो ये हो जाएगा आप लोग को, तो इस तरह से देगा ही देगा। फिक्स है कि 5 नंबर का आप लोग को इसी पेज में आप लोग को आ जाएगा, यानी आप लोग को 5 नंबर का सही सही कर देना है। आप लोग जान लीजिए मंगलम कहेगा तो आप लोग जान लीजिए मुंडकोपनिषद देगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे भारत महिमा कहेगा तो भागवत पुराण कहिए या विष्णु पुराण, ठीक है। और नीति श्लोका कहेगा तो विदुर नीति से लिया गया, नीति श्लोका विदुर नीति से, और मंदाकिनी वर्णन जो है अयोध्या कांड या वाल्मीकि रामायण से, ठीक है। और लेखक के बारे में जान लीजिए, मंगलम के पाठ के लेखक हैं महर्षि वेद व्यास, भारत महिमा के भी हैं महर्षि वेद व्यास ही। यहाँ पर नीति श्लोका के महात्मा विदुर है और मंदाकिनी वर्णन के लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि। तो ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, तभी आप लोगों के पास और भी अच्छा अच्छा वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।